नरेंद्र मोदी ने 9 जून को राष्ट्रपति भवन में लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। शपथ ग्रहण समारोह का एक रहस्यमयी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में एक जानवर को घूमते हुए देखा जा सकता है। अभी तक यह स्पष्ट नहीं है, जहां देश विदेश के वीवीआईपी एकत्रित हुए थे, वहां खुले में कौन सा ऐसा जानवर घूम रहा है। सोशल मीडिया पर वीडियो में दिखाई दे रहे जानवर की सच्चाई जानने के लिए लोग खूब उत्सुक दिखाई दे रहे हैं। वीडियो में देखा जा सकता है, जब भाजपा सांसद दुर्गादास उइके को राष्ट्रपति शपथ दिला रही थी, तभी एक जानवर स्टेज के पीछे चहलकदमी करता हुआ दिखाई दिया। सोशल मीडिया पर जब वायरल हुआ तो राष्ट्रपति भवन के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर वीडियो को चेक किया गया तो पता चला दावा सही है। राष्ट्रपति भवन के आधिकारिक चैनल पर शेयर किए गए वीडियो में भी कोई जानवर घूमता हुआ दिखाई तो दे ही रहा था। इतना ही नहीं, जब अजय टमटा शपथ ले रहे थे उस वक्त भी वे जानवर पीछे से घूमता हुआ दिखाई दे रहा था। इस बार वह जानवर वहां बैठे लोगों की तरफ घूमता और घूरता हुआ भी दिखाई दे रहा था। जब इस जानवर को लेकर लोग तरह तरह के कयास लगा रहे हैं, अब देखिए लोगों का क्या क्या कहना है। वीडियो देखने के बाद कुछ का कहना है ये तेंदुआ है, तो किसी का कहना या बिल्ली है। ऐसे में सवाल यह उठ रहा है कि इस कार्यक्रम में इस तरह के जानवर कैसे खुले में घूम सकते हैं। वीडियो ब्लर होने और लाइट कम होने की वजह से स्पष्ट नहीं हो पाया ये कौन सा जानवर है, लेकिन कार्यक्रम के दौरान कम से कम दो बार इस जानवर के देखे जाने से यह साबित हो रहा है कि सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो फेक नहीं बल्कि बिल्कुल सच है। बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ कुल 30 कैबिनेट मंत्री बनाए गए हैं। साथ ही 5 लोगों को स्वतंत्र प्रभार से 36 को राज्य मंत्री बनाया गया है। कुल 72 लोगों ने 9 जून को शपथ ली है। 10 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरे कार्यकाल के पहले दिन ऑफिस पहुंचे हैं।